न्यूज 18 राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिच और दोस्तों इस सफर में हम आ पहुंचे हैं प्रदेश का सिंहद्वार कहे जाने वाले अलवर शहर में। अलवर के विधानसभा में बात करते हैं तो यहां पर कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन हम यहां पर अलवर शहर की बात करने आए हैं जहां पर कि बीजेपी ने पिछले 3 बार के चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के लिए ये टफ सीट कही जाती है। इस सीट में क्या कुछ खास है और क्या कुछ जनता का मिजाज है, यही बात करने के लिए लोगों के बीच हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लगातार बीजेपी के जीतने का यहां पर क्या कारण रहा है और कांग्रेस जो है वो इस बार किस तरह की तैयारी के साथ में आने वाली आप लोगों के बीच में पहुंच रही, क्या कुछ तैयारियां उनकी? आप जी, न्यूज 18 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो चुनावी गांव की सफर के अंदर, जो अलवर के अंदर आप पधारे हैं, हम स्वागत करते हैं और आपकी चर्चाएं बहुत सक्रिय और राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति जो आज की स्थिति में है उसके लिए आप हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित आपने क्वेश्चन किया है, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से यहाँ सिटी के अंदर विनर रही है। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ पब्लिक जो अलवर की शहर की जनता है वो कहीं बहकाव में आती रही है। जो योजनाएं जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी वो सही ढंग से हम बुना नहीं पाए और जहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट यहाँ पर निकले हैं वो एक जातिवाद के ऊपर जो बातें करते हैं, इसलिए यहाँ हावी होते हैं और जनता उनको बहकाव में आकर विनर कर देती है। रिकॉर्ड टूटेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा, देखिए दावे तो कुछ इस तरह के। निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक फरमाया है, हमारे सैनिक से रिटायर हैं, प्रशासनिक अधिकारी से, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। आम जन की हलकी आवाज है कि राजस्थान में जो ऐतिहासिक काम हुए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं हुआ। चिरंजीवी योजना, आज बीजेपी के लोग कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 3 साल पहले जब कोविड आया था तब 10 लाख की घोषणा कर दी थी, उस समय कोई चुनाव नहीं थे, 10 लाख के बाद 25 लाख की योजना, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, इतनी ओपीएस स्कीम जो भाजपा पार्टी ने 2004 में ओपीएस को बंद कर दिया गया था वो ओपीएस चालू करिए, आज सभी को विकलांगों को वृद्धों को सबको पेंशन दी जा रही है, स्टूडेंट्स के लिए भी 75 किलोमीटर की यात्रा फ्री करिए, 90% छूट महिलाओं को बस यात्रा में छूट की गई है, सभी को मोबाइल दिए जा रहे हैं, मतलब पशुओं तक की दवाएं मुफ्त कर रखी है, 40,000 रुपए उन लोगों को जो पशु लंपी गए और उसमें मारे गए थे उसमें भी किसानों के लिए 2,000 यूनिट फ्री किया था। मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता जानती है कि जो विकास जो कराया है, अब तक जो काम किया है वो कांग्रेस सरकार ने किया और निश्चित रूप से 156 सीटों के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार बहुत बहुमत के साथ में यहाँ पर आ रही है, दावे जिस तरह से किए जा रहे हैं मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला बीजेपी का, या फिर क्या इस बार के जो है समीकरण आपको लगा? आपने सवाल किया है कि कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इस बार कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी कि गिनते रह जाएंगे लोग। कारण है उसका कि जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं लाभान्वित की है लोगों को, जिसमें विशेष रूप से जो चिरंजीवी योजना है जिसके दौरान लोगों के लाखों रुपए के इलाज जो पैसे लगते थे, घर बार बिक जाते थे, कर्ज हो जाता था, उससे मुक्ति दिलाने का काम राजस्थान सरकार ने किया है, योजनाएं फायदा देगी। देखिए लोग यहाँ पर जो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है जो मौजूदा बीजेपी के जो विधायक हैं उनने काम करा है तो क्या आपको लगता है कि इस कारण से आप उनको यहाँ पर जो है फिर से लाने वाले हैं? और दूसरी बात है कि एक ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं उनकी हम बात करते हैं तो इस चुनाव में जो प्रत्याशी आपके पास में आ रहे हैं वो आप लोग से किस तरह के वादे, किस तरह के दावे अभी आपसे कर रहे हैं? अभी मौजूदा विधायक के बारे में आपने बात की तो कांग्रेस की एक रीति नीति रही है, माननीय अशोक गहलोत जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जी जो अलवर के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि अलवर का विधायक कौन है, उनके लिए चुनाव हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता है। हार तो चुके, उनका उद्देश्य यही है कि अलवर का विकास हो, राजस्थान का विकास हो, वो उसी चीज को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से इससे कोई मतलब नहीं है, जनता की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उनकी। चलिए वो मुद्दे ही बता दीजिए मुझे तो, आप कौन से मुद्दे जिन पर इस बार का चुनाव लड़ा? अभी आपने एक सवाल पूछा था हमारे साथी से कि भाई यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी के जीतने का आधार क्या है? जीतने का आधार ये है इसमें कि जो हमारे जो यहाँ के लोकल लीडर हैं वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं, वो एकजुट होकर नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है यहाँ, कांग्रेस बहुत अपार है, ये आजादी के दौर से चली आ रही है। बीजेपी जो है वो यहाँ पर जीत की हैट्रिक बनाती है, क्या आपको उसका वजह आप उसके पीछे मानते हैं, क्या कारण रहा है? देखो बीजेपी तो सदैव काम करती आई है, उनको जमीनी तल से काम करना है,
बाकी ठीक है। वो बस ये है जो फोकट की चीजें बांटती है कांग्रेस, जैसे हमारे आदरणीय गहलोत जी हैं, जो फोकट की चीजें बांटती है वो नहीं बांटती, अरबों खरबों रुपए के मोबाइल बांटे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई, क्यों बांट रहे हो? क्या किसी के पास मोबाइल नहीं है? 90 नहीं 95% के पास मोबाइल है। जो मोबाइल पे जितना पैसा खर्च हुआ है, इतना पेयजल समस्या पे या अन्य किसी विकास कार्य पे लगता तो बहुत ही अच्छा होता। आप तो बहुत तारीफ कर रहे थे। एक बार याद क्या ये मोबाइलों से देश का विकास होता है क्या? और एक गैस के सिलेंडर एक हांडी में दो पेट कर दिए, कौन अमीर है आज? किसी से भी पूछ लो, ओम बिड़ला से भी पूछो, वो भी कहेगा मैं गरीब हूँ। है इन्होंने 500 रुपए के सिलेंडर आधों को दे दिया, आधों को वही 900 रुपए। अरे मोदी जी ने बढ़े क्या जो सबका सभी के पूरे हिंदुस्तान में 200 रुपए तक कम कर दिए? इनने भेदभाव की नीति चला रखी है। ठीक बोल रही है, सही कह रहे हैं। इसमें जाते हैं ना हॉस्पिटल में, कह देते हैं इस बीमारी का इलाज इसमें नहीं है। आप बताइए, ये चिरंजीवी योजना तो ठीक है, ये चलनी भी चाहिए, योजनाएं अच्छी योजना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट हो साफ सुथरा हो, नया कैंडिडेट आना चाहिए दोनों पार्टियों से, कोई पुराना कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। क्या कारण मानते हैं? पुराना कैंडिडेट क्या मजा नहीं आता, पुराना कैंडिडेट में नया कैंडिडेट होना चाहिए। और दूसरी बात, आप तो ये बताएं कि अभी जो विकास के मुद्दे हैं जिन पर कि यहाँ पर आपके जो कई दावेदार प्रत्याशी जो हैं वो आ रहे हैं। सर हर आदमी दावा करता, मैं ये करूंगा, कोई काम नहीं करता है, करना आदमी पार्टी को खुद को करना पड़ता है। पानी की समस्या समस्या कोई नहीं होती, मैं तो नर्स वैसा इसी से पहुंचाऊ। नेता जो बनेगा उसको जेब में पैसा जाता है और 5 सालों का करोड़पति जाता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काफी काम किया है, लेकिन पानी की समस्या तो है, पानी की मुख्य समस्या है। इनकी कांग्रेस की बीजेपी की दौरानी जेठानी वाली लड़ाई है, वो आ गई ना सीट तो वो काम नहीं करने देंगे, और वो दूसरा कैंडिडेट जीत जाएगा तो वो काम नहीं करने देंगे। गोपाल टाकिस के बगल वाला नाला देखो, आज कम से कम 30 साल हो गए, 35 साल कोई सफाई का नाम निशाने नहीं है, सड़ रहे हैं गंदगी के मारे, शहर सड़ रहा है। तो ये आपसे मैं बात करना चाहता हूँ सर, कैसे प्रत्याशी का चुनाव आप करना चाहते हैं? जिस तरह के प्रत्याशी को यहाँ की अलवर की जनता चाहती है, क्या उस तरह का प्रत्याशी आपके बीच में आ पा रहा है? ऐसा नहीं है, हमारे बीच में संजय शर्मा ठीक है, अगर संजय शर्मा को दोबारा रिपीट किया जाता है तो मेरी निश्चित ही एक अच्छी। लेकिन बात तो यहाँ पर यह हो रही कि कांग्रेस जो है वो अब एकजुटता के साथ में यहाँ पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही है, भले ही आपने 3 बार की जीत यहाँ पर की, लेकिन जो है कांग्रेस यहाँ पर बहुत दमखम के साथ आने वाली, जिस तरह के साथ कांग्रेस बिल्कुल नहीं जीतेगी यहाँ से भाजपा जीतेगी, किसी को भी। अच्छा ठीक है, मुझे आप मुद्दे बताइए, किस मुद्दे के आधार पर बीजेपी यहाँ पे चुनाव लड़ती है? ये 5 साल लड़ते रहे आपस में, 5 साल पायलट गहलोत उतरा और प्रदेश में बलात्कार चरमते हुए। अच्छा अंदरूनी लड़ाई तो बीजेपी में भी है, है लेकिन सब एक, अगर टिकट किसी एक को मिलता है, अंदरूनी लड़ाई तो सब में ही होती है, लेकिन मुखिया में सफाई का काम नहीं है, बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है, और पानी की समस्या आई है। सफाई के मुद्दे पर बात चली है, मैं शहर में रहने वाले लोगों से जानना चाहता हूँ, सफाई होती है शहर? अभी सभी लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे, कांग्रेस भी जो मैं पूछ रहा था, 15 साल से इनका विधायक है, 15 साल से इनकी नगर परिषद है, पानी की समस्या 15 साल से, अलवर में कोई विधायक नहीं बन रहा, पिछले 15 साल से एक भी विधायक नहीं बना, आरटीआई कार्यकर्ता बनते हैं, जाके प्रश्न होते हैं, विधायक का काम है विधानसभा में कोई विधायी कार्य करे, एक भी विधायक ने बताया कोई पानी की समस्या पर विधानसभा में एक प्रश्न किया हो, नगर परिषद में मेयर है इनका 15 साल से, सफाई कर्मी 600 सफाई कर्मी जो है 400 कर्मचारी इन्होंने अपने अधिकारियों के अपने घरों पे लगा रखे। और देखिए ये एक महानुभाव ने जवाब दिया पानी का, और देखिए राजस्थान का मुख्यमंत्री सीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना करने के लिए, सफाई व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है, साथ में जगह जगह पर सड़क में गड्ढे हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर के आमजन क्या सोच रहा है? अलवर में गंदगी का वास्तव में कुछ आरंभ में तो इन्होंने कुछ आदमी लगाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे आबादी इन्होंने कम कर दिए, सफाई व्यवस्था बिल्कुल अधर में है, कम ध्यान दिया जाता है, और सबसे मूल जो समस्या अलवर की है वो पानी की है, पानी की तरफ और कोई नेता बात नहीं करते, मैंने ये बांट दिया वो बांट दिया, पानी के ऊपर आपने क्या किया, सबसे मूल समस्या वो होनी चाहिए। पानी की समस्या यहाँ पर सॉल्व हो गई है? नहीं बिल्कुल नहीं हुई है साहब, पानी की समस्या आज भी विकराल बनी हुई है, रात को 1-1.5 बजे पानी आता है, महिलाएं बच्चे और नागरिक विक्षिप्त हो गए शहर के 5 साल में, पानी की बहुत विकराल समस्या है।
अच्छा, मुझे सड़कों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिस पर कि आपसे वोट मांगे जा रहे हैं। सड़क जो है अलवर की वो NCR में आती है, तो इसमें कांग्रेस ने कोई सड़क नहीं बनवाई है। NCR में आने की वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रोड का काम हुआ है अलवर शहर में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाया है। लेकिन स्टेट सरकार जो है गहलोत सरकार, वो काफी गारंटी स्कीम दे रही है, कह रही है कि महंगाई राहत से जो महंगाई है उससे राहत मिली है लोगों को। भैया ये सब दिखावड़ा है, एक्चुअली राहत दे रही है तो जो वास्तव में जो गरीब व्यक्ति है उसको वो स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा। जैसे मोबाइल की बात थी, मोबाइल के केस में बेचारा गरीब आदमी सुबह उठ के जाता है, महिला उठ के जाती है, पता चलता है कि बाद में उनको शाम तक धक्के खा करके घर आना पड़ रहा है। गरीबों को राहत दे स्कीम ऐसी होनी चाहिए। जवाब लेना चाहूंगा मैं एक बार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई में ऐसी स्कीम दी है गहलोत सरकार ने जो राहत दे पाए? कह रहे हैं लोग कि ऐसी कोई राहत नहीं मिल पाई है, महंगाई से राहत नहीं मिल पाई। देखिए महंगाई से जो राहत दी है ना सो गहलोत जी ने वो 4 साल बाद दी है। मैं बता दूंगा जनता क्यों दिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इतनी महंगाई करवा दी देश के अंदर। आप देख रहे हो युवा बेरोजगार घूम रहा है, भ्रष्टाचार, आपकी GST वाले क्या है तो उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई समय नहीं है, व्यापारी सारा व्यापार चौपट कर दिया उसने पूरे देश का। कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे जिस पर कि लोग अभी आपसे प्रत्याशी जो आ रहे हैं वो वादे कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वादे आप लोग से किए जा रहे हैं? चुनावी मुद्दा अलवर का जी, एक तो सबसे पहला चुनावी मुद्दा सफाई, जो अलवर नगर परिषद पे कांग्रेस ने तथाकथित अपने तरीके से बोर्ड उस समय बना लिया था, किस तरीके से बनाया था अलवर की जनता जानती है। दूसरा मुद्दा अलवर में है सुरक्षा, नारी सुरक्षा पे यहाँ पर इसी जगह इसी परिसर में एक शहीद स्मारक है, लगभग हमने 104 दिन धरना दिया, एक बच्ची के साथ जघन्य हत्याकांड होता है, सरकार तत्कालीन SP यहाँ कहती है कि ये एक रेप लुक लाइक रेप है, सरकार के दबाव में आकर उसको एक्सीडेंट साबित कर दिया उन्होंने। और अलवर की व्यवस्था नहीं, प्रियंका जी कहती हैं नारी हूं लड़की हूं लड़ सकती हूं पर राजस्थान में नहीं आ सकती। आप राजस्थान में नहीं आ सकते, करप्शन भ्रष्टाचार यहां मुद्दा है। नगर परिषद अलवर की चेयरमैन साहिबा, फिर उसके बाद नगर परिषद का दूसरा सभापति ट्रैप होता है, वो कांग्रेस के सभापति। हमारे साथ में जो मेहमान है, मैं एक बार आपसे भी बात करना चाहूंगा मैडम कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो वादे काफी किए जाते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, क्या कुछ काम हो पाया है? और दूसरी बात है कि अभी इस समय क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित है हमारे शहर में, रात को बेखौफ घूम सकती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के कोई काम हो पाया है? देखिए महिला सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो अलवर इसमें पूरी तरीके से विफल रहा है। अभी तक इतने केसेस अलवर में हो चुके हैं, किसी भी कान की हमें कोई भी जानकारी तक नहीं दी जाती है। जैसा कि भाई साहब ने बताया मुखबधिर बच्ची के साथ में केस होता है, उसके बाद में और बहुत सारे केसेस होते हैं, उनका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया जाता है। महिला सुरक्षा तो छोड़िए, महिला यहाँ पे बाहर घूमने के भी उसमें नहीं है आजादी में, क्योंकि इतनी गंदगी, सफाई का मुद्दे, पानी के मुद्दे, सब कुछ है। अलवर के अंदर पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उससे भी बड़ी समस्या बिजली की हो गई है, जो इनको शर्म आनी चाहिए। 7-7 घंटे शहर की बिजली गायब करते हैं रोज इतना, एक भी दिन आज भी अखबार में बता दे तो बिजली तो फ्री है, बिजली तो काफी फ्री मिल रही है। अरे फ्री कहाँ मिल रही है भाई, जिस गरीब को मिल रही है उसको मिल रही है, हमको 100 यूनिट फ्री है, हमारे पैसे से ही लुटाया जा रहा है। एक मिनट, आपका जवाब, मैं आपका जवाब लेना चाह रहा हूँ। आप बताइए, आपने जो कहा कि बिजली 7 घंटे कट रही है, पहली बात तो बताइए कट रही नहीं कट रही है? बिजली कोई 7 घंटे नहीं कट रही, मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि दीपावली पर्व पर जब आता है जब मेंटेनेंस होता है। दूसरी बात, इन्होंने जो अपराध की बात की, पहले सरकार है राजस्थान में और आपके भारत सरकार के आंकड़े हैं कि राजस्थान में अपराध मुक्त है, राजस्थान है जिसमें जीरो FIR है, FIR है। हम मैं ये कह रहा हूँ, अभी बिजली की बात आई, आज 200 यूनिट सबको फ्री मिल रही है, पूरे परिवार को, हर एक इन व्यक्ति को भी मिल रही है। ये झूठ बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री मिल रही, नहीं मिल रही, तो हर परिवार को मिल रही है, पूरे राजस्थान में मिल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हालत ये हो गई थी कि 1150 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, आज गहलोत सरकार ने 500 का सिलेंडर किया, जनता को राहत देने की कोशिश करी। आज अब इस बात को मानोगे ना? क्या बात को, 500 रुपए में कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा, एक भी, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे पार्षद BJP का, मेयर BJP का, विधायक BJP का,
सांसद बीजेपी का, उसके बावजूद भी हमारी रोड लाइट 7-7 महीने से नहीं हो रही, सफाइया नहीं हो रही है रोडों पे, कचरा रोडों पे, मतलब उसके बाद पानी की व्यवस्था है, पानी को सही बूंदी किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम काफी हुआ, कौन सा काम जो आप गिनाना चाह रहे हो, काम हुआ सरकार की तरफ? देखिए विधायक जी के सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ, पिछले 2.5 साल 3 साल नगर परिषद अलवर के जो चेयरमैन थे वो कांग्रेस के थे, जो भ्रष्टाचार में ट्रैप हुए, उसके बाद जब बीजेपी के वाइस चेयरमैन को चार्ज मिला, उसके बाद करीब 100 से 150 करोड़ रुपए की सड़कें, ट्यूबवेल और वो सारे काम, इनकी बात में दम है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, विधायक कोटे से जितने काम हुए, चाहे वो पानी के ऊपर हुए, चाहे सड़कों के ऊपर हुए, हमारा जब से महापौर है, जब से सड़कों का विकास हुआ है, और सरकार की ओर से अगर अपन कहें तो जीरो। सबसे बड़ा, सबको नमस्कार करते हुए एक ही बात कहूंगा कि सत्ता की लालसा के अंदर जो वशीभूत होकर के और टिकट मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जनता के मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनसे दूर रह के एक कर्मठ जो कार्य करता है और जनता के बीच में जनता के मुद्दों को समझता है, हमें उसके साथ लगना है। नीति में देखने को मिलता है कि अगर सामने वाली पार्टी सही है तो हम उसको सही कह पाए, हम अगर गलत हैं तो हम खुद को गलत कह पाए, बहुत कम देखने को मिलता है। राजस्थान में तो मुद्दे बहुत हैं, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, 19 बार पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य खराब हुआ, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है अलवर में, तो नगर कौन भ्रष्टाचार यहाँ पर कौन, यहाँ नगर परिषद के चेयरमैन कांग्रेस के थे वो ट्रैप हुए, यहाँ जो कलेक्टर थे कांग्रेस राज में उनको ट्रैप किया गया, रोज आपको खबरें, टीकाराम जूली यहाँ जेल मंत्री है, कल ही जेल का प्रहरी ट्रैप हुआ है, इसके अलावा अपराध बहुत बड़ा मुद्दा है, अपराध और भ्रष्टाचार की बात की, ये मैं कह रहा हूँ, हर पार्टी कोई भी सत्ता में आती है क्या हर घर के ऊपर पुलिस बैठा सकती है क्या? लेकिन वोटों के लालसा में बदनाम करने का, एक चीटी को शेर बनाने का बदनाम किया जा रहा है। युवा, एक युवा से मैं जानना चाह रहा हूँ कि रोजगार मिला या नहीं मिला, आप बताएंगे मुझे आप बताइए कि रोजगार की बात कही गई थी, बेरोजगारी भत्ते की भी बात कही गई थी, क्या हाल है उसके? पेपर लीक जो हुए हैं उसको बीजेपी एक मुद्दा बना रही है, आप आम युवा क्या सोच रहा है इस बारे? इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर तो लीक हुआ है, आप ही सोचो कि कहीं पर 5 सब्जेक्ट के पेपर रखे हैं, हो सकता है उसमें एक ही पेपर लीक हुआ, वो कोई इतना ईमानदारी से पेपर लेगा कि वो उसमें 5 में सिर्फ 1 सब्जेक्ट उठाएगा, और उसको तो आपने दोबारा करवा दिया लेकिन 4 सब्जेक्ट के आपके वो रह गए पेपर, ये हो सकता है कि, और ऐसी कोई भर्ती जो जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा, हर भर्ती में पेपर लीक हो रहा है, और ये भर्तियों को पोस्टपोन करना, जैसे अभी पशु परिचर विभाग की निकली थी उसका फॉर्म लागू भी चालू भी होने वाले थे और पहले ही पोस्टपोन कर दी, अब सुन रहे हैं इस राजस्थान पुलिस का फिजिकल भी पोस्टपोन होने वाला है। स्टूडेंट्स के क्या हालचाल है, कैसे स्टूडेंट्स जो है वो इस समय में अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं? कई सारी स्कीम तो है वो निकाली गई, कई कॉलेजेस जो है वो खोले गए, बड़ी संख्या में कॉलेज खोले इस बार। सर युवा परेशान है, एक तो भर्ती की घोषणा कर देते हैं उसके बाद आती नहीं है, अब अभी 7 जून को मंत्री शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी पात्रता परीक्षा की, अब इस साल भी पात्रता परीक्षा नहीं की और सीईटी की शॉर्ट लिस्ट नहीं निकालते, इससे जो परेशान है यही नहीं पता कि हम 15 गुणे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सर मैं वाले विद्यार्थियों के लिए जो स्कीम चलाई गई यही बोलना चाहूंगा कि जो पेपर लीक है उनको रोका जाए और एक भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया जाए, पेपर लीक रुकना चाहिए। मैं इंडस्ट्रीज के लिए बोलना चाहूंगा, इंडस्ट्रीज है यहाँ पर अलवर में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, अभी भिवाड़ी का जैसे अलग कर रहा है डिस्ट्रिक्ट, जो जिले अलग हुए हैं उससे क्या रेवेन्यू के लिहाज से देखा जाए तो अलवर कमजोर होगा? बिल्कुल कमजोर होगा। मैं 2-3 मुद्दे और उठाना चाहता था, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की पावर कट्स हो रहे हैं, पावर कट्स के हिसाब से एक भी इंडस्ट्री शाम को काम नहीं कर पाती सैटरडे और संडे को, क्योंकि पूरी रात को पावर कट रहते हैं। एनसीआर के मुद्दे के वजह से सीएक्यूएम जैसी पाबंदी लगाती है तो यहाँ पे डीजल के जनरेटर्स भी काम में नहीं ले पाते। रेट्रोफिटेड डिवाइसेस जो लगाने के लिए बोला है सरकार ने, इतने महंगे आ रहे, जिसको खरीदना एक लघु उद्योग के लिए बिल्कुल भी उसके दायरे में नहीं है, जिस वजह से उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। और यहाँ पे खनन का भी बहुत अच्छा उद्योग है, खनन में 70 खाने ऐसी है जो बंद पड़ी है, 70 खाने ऐसी जिनका आवंटन 24 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा, और 150 ऐसी खाना है जिनको अभी तक किसी को आवंटित किया ही नहीं गया, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट और हाथ से जाया जा रहा है। यहाँ पर मैं जब भी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर सुरक्षित माहौल जो है उसको लेकर के बहुत काम है यहाँ पे, पर बाकी उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो ये जैसे मार्केट वगैरह में चेन स्नैचिंग वगैरह बहुत होती है यहाँ पे, भाई हर जगह थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उस पे खर्चे, ये पुलिस वाले और ये इन रैलियों में और इनमें इतना भर देते हैं, बेचारे पुलिस वालों के पास काम करने के लिए टाइम नहीं है, उनको जनता के लिए लगाया जाए। वीआईपी मूवमेंट में ही रहती है। हाँ, शहर में क्राइम बढ़ रहा है और ये बात आम लोग कह रहे हैं, कई बार मैंने ये सुना भी है,
तो बढ़ते हुए क्राइम को कैसे रोका जाए, कैसे क्राइम कंट्रोल होगा, क्यों? जब अपना काम हो बनता तो बाढ़ में जाए जनता। आज इस रूट को टारगेट करके समस्त लोग चल रहे हैं और ये पब्लिक पानी पानी को पुकार रही है। पानी का मुद्दा कोई नया नहीं है, अगर वो पानी का उपभोग कम कर दिया जाए तो पानी का। अच्छा, ये कोई बात नहीं हुई ना सर, बात तो ये होती है कि पानी की सप्लाई हमारे को कुछ एक अच्छे तरीके, सारे पंप ड्राइवर बदलिए। सबसे पहले आप पानी के मुद्दे को समस्या समाधान करना चाहते हो तो पंप ड्राइवर बदलिए और ये दुनिया इसी तरह चलती और चलती रहेगी। ठीक है, अपराध के मुद्दे पे मैं बात कर रहा था, अपराध को लेकर के क्या कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरह की अलवर शहर की? सर सबसे बड़ी बात है कि नीयत का फर्क है, राजनेताओं में नीयत की कमी है। पहले जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब आने के बाद फिर अपनी जेब भरने लग जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, फिर जनता की कोई नहीं सोचता। जैसे ERCP का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर वो आज सॉल्व हो जाए तो पूरा इंडिया खुशहाल हो जाएगा, चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। ERCP पे काम होना चाहिए, जिलों को ERCP सबसे ERCP पे काम होना चाहिए, ये तो है ही है। लेकिन साथ से सबसे बड़ी बात है, पानी की कोई कमी नहीं है। अवैध कनेक्शन बड़े राजनेताओं जो रसूखदार लोगों के पास पानी के पूरा कनेक्शन दिन भर पानी आता है, लेकिन जो आम जनता है उसको क्या नाम से 10 मिनट से ज्यादा पानी नहीं मिलता। ERCP की तो बात दूर है, जब आप पहले यही की बात सॉल्व कर दो। ऐसा कुछ नहीं है अंकल जी, मैं आपको बता देता हूँ। आप आश्चर्य करो कि कितने अवैध कनेक्शन है, कितने अवैध कनेक्शन है। मैं टेक्निकली चीज बता रहा हूँ आपको, विभाग के अनुसार, जलदाय विभाग के अनुसार इस शहर को 5.5 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है, जो कि हमारे को 3 लाख लीटर पानी प्रतिदिन मिल रहा है। अब आप पूरी सुनिए इसकी डिटेल, मैं आपको खोल के बताता हूँ। ये पानी के दुश्मन कौन है? इस पानी के दुश्मन तत्कालीन जो रहे हुए अपने जेल मंत्री माननीय टीकाराम जूली जी, जिन्होंने अपने बुर्जा सीली सेठ, जहाँ पे जितनी भी हमारी बोरिंग थी जो ड्राई हो चुकी थी। पानी की समस्या है वो अवैध बोरिंग के कारण बढ़ गई है, भूजल स्तर काफी नीचे चला गया। आप भी ये बात मान रहे हैं या फिर आपको लगता है कि इस पर जो है चुनावी मुद्दा बनेगा और आगे चल करके इस पर काम हो पाएगा? ये चुनावी मुद्दा रहेगा और ये आजादी से चल रहा है बिजली पानी सफाई का मुद्दा, ये अभी हल होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमने सरकार को कहा था कि यहाँ टूरिज्म के आधार पे बेरोजगारी दूर की जाए, उस पे काम नहीं हुआ है, बेरोजगारों पे काम नहीं हुआ, बेरोजगारों के लिए भी कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके। तीसरा मोर्चा जो है वो भी अपनी काफी कोशिश करता है, भले ही हम RLP की बात करते हैं, सपा बसपा वो भी चुनाव लड़ रही है, उनका क्या सीन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, या किस तरह की जो है उनके वादे दावे यहाँ पर जो है वो लोगों के बीच में है? देखिए, राजस्थान का ये सिंह द्वार अलवर है, यहाँ पे तीसरी पार्टी का कोई विकल्प नहीं रहा। ठीक है, यहाँ बसपा फिर भी थोड़ी सी यहाँ करिए, बाकी RLP आप पार्टियां जो आई हैं उन पार्टियों का वजूद नहीं रहा। यहाँ लड़ाई रहती है कांग्रेस और बीजेपी की।